क्वेश्चन नहीं आगे बढ़ा जाए देख बेटा प्रेशर प्रेशर इन एक्सिलेटरिंग फ्लूड ठीक है बेटा अब तक जो बात हमने की वो किसकी बात की अब तक जो बात हमने की बेटा वो किसकी बात की प्रेशर इन स्टेटिक फ्लूड है ना बेटा फ्लूड हमारा अरेस्ट में था ठीक है अब हम हाँ बात करते हैं बेटा कि जब प्रेस लिक्विड हमारा एक्सिलेट करेगा तो क्या होगा लिक्विड हमारा बेटा एक्सिलेट करेगा तो क्या होगा ठीक है देखो लिया जाए केस वन केस वन हमारा क्या देखो वर्टिकली एक्सेलरेटिंग वर्टिकली एक्सेलरेटिंग ठीक है बेटा फ्लूड एक्सेलरेट कर रहा हो कैसे एक्सेलरेट कर रहा हो वर्टिकल एक्सेलरेट कर रहा हो है ना मान लो मान ले बच्चा कि ये एक कंटेनर है मान ले बेटा ये एक कंटेनर है इस कंटेनर को अगर हम ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन ए से एक्सेलरेट करें ठीक है बच्चा अगर इस लिक्विड को हम एक्सेलेरेशन ए से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करें है ना बेटा ठीक है और इसमें हमारा कोई लिक्विड भरा है उस लिक्विड का डेंसिटी रो है है ना बच्चे की मान ले यहां पे हम एक लिक्विड के अंदर लिक्विड के अंदर लिक्विड का ही सिलेंडर सोचे लिक्विड के अंदर लिक्विड का ही सिलेंडर सोचो जिसका की हाइट ए है छह है, हाइट ए है, एरिया ए है ना बेटा तो बोलो तो ये लिक्विड को हम ऐसा मान सकते हैं कि लिक्विड का एलिमेंट भी ऊपर की ओर एक्सीट कर रहा है बोलो बच्चा बोल सकते हो ऐसा? ये बात समझ में आ रही है बेटा अगर कंटेनर के अंदर लिक्विड है तो क्या ये माना जा सकता है कि लिक्विड कंटेनर के साथ साथ ऊपर की तरफ एक्सीट कर रहा है बोलो बेटा मान सकते हो ऐसा? है ना तो देख दो अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊ इस सिलेंडर की एफबीडी बनाऊ पानी के अंदर पानी का सिलेंडर जिसका की हाइट h है, तो पानी के अंदर जो पानी का सिलेंडर है बेटा, इस पे फोर्स कैसे बोलोगे? कि ऊपर से फोर्स लगेगा p1 into a, नीचे से फोर्स लगेगा p2 into a, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और ऊपर की तरफ ये एक्सीलेट कर रहा है, है ना? तो ऐसे बोलेगा बेटा p2 a minus p1 a minus mg equal to ma बोल बेटा समझ में आए रियल्टन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ठीक है रियल्टन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो क्या हो गया P2 टू माइनस पी वन इन टू एक्वल टू एम ऑफ जी प्लस ए ठीक है तो क्या हो गया P2 टू माइनस पी वन इन ए मास कितना है डेंसिटी इनटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी प्लस होगा ए और ए कैंसिल है ना तो देख बेटा ऊपर की तरफ पॉइंट वन मान लिया जाए नीचे की तरफ पॉइंट टू मान लिया जाए है ना तो क्या हमारा है बताओ यहाँ पे p2 टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो जी प्लस ए इच ठीक है बच्चा समझ गया अगर लिक्विड का कंटेनर ऊपर की तरफ एक्सिलेट करे है ना तो प्रेशर में डिफरेंस जो होगा वो जी की जगह पे जी प्लस ए हो जाएगा ठीक है बच्चा है ना? तो बताओ अगर इसी कंटेनर को हम नीचे की तरफ करें, इसी कंटेनर को अगर हम नीचे की तरफ करें, तो क्या होगा बताओ? बोलो बोलो क्या होगा अगर इस कंटेनर को नीचे की तरफ एक्सीट किया जाए तो जी माइनस ए बिल्कुल सही बात और बताओ अगर हम कर दें क्या नीचे की तरफ एक्सीन एक मिनट हेलो कहाँ से हाँ जी बताइए नहीं अभी ठीक है बेटा तो देखो चला ये रहा देख बच्चा देख बेटा पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो जी प्लस ए इ टू एच ठीक है बेटा तब बताओ मान लो अगर नीचे की तरफ फ्री फॉल से गिरना शुरू हो जाए तो क्या होगा बताओ अगर नीचे की तरफ ये फ्री फॉल गिरना शुरू हो जाए तो क्या हो जाएगा जी ए इक्वल टू जी ए इक्वल टू जी तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू जी होगा तो प्रेशर डिफरेंस बेटा जीरो हो जाएगा ना तो ऐसे बोल सकते हैं देखो तो ये बोल सकते हैं बेटा कि इफ इफ कंटेनर फॉल्स फ्रीली अगर कंटेनर क्या हो फ्रीली गिरना शुरू हो जाए है ना कंटेनर हमारा नीचे फ्रीली गिरना शुरू हो जाए है ना बेटा देन देन प्रेशर प्रेशर इन कंप्लीट वॉल्यूम है ना बेटा प्रेशर इन कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल बी यूनिफॉर्म बोलो बेटा बोल सकते हो वैसा बोलो बोलो अगर ये फ्री फॉल से गिरना शुरू हो जाए तो फिर इस पूरे वॉल्यूम में इस लिक्विड के पूरे वॉल्यूम में हर जगह हमारा प्रेशर बेटा एक जैसा हो जाएगा बोलो बेटा है ना चाहे डेंसिटी कुछ भी हो है ना चाहे डेंसिटी कम हो ज्यादा हो इन बातों से कोई मतलब नहीं है ना बच्चा हर बार क्या होगा प्रेशर डिफरेंस हमारा जीरो हो जाएगा ठीक है बात समझ आ गई बच्चे सबको ठीक है चलो अच्छी बात है देखो बच्चा अब कहा जाए होरिजोटली ना बच्चों देखो आगे अब मैं कहूं बेटा दूसरा केस मैं कहूं बेटा हॉरिजॉन्टली accelerating ठीक हैटली एक्सीटिंग है ना? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सिलेट कर रहा हो मैं एक्सिलेट कर रहा हूं है ना तब डाक कंटेनर ये हमारा बच्चा कंटेनर ठीक है तो देख तो बच्चा एक कंटेनर में मान लिया जाए कि यहां तक लिक्विड भरा है है ना यहां तक बच्चा लिक्विड भरा है ठीक अगर हम होरिजोनटल डायरेक्शन में अगर हम होरिजोनटल डायरेक्शन में इसको एक्सीलरेशन ए देंगे हेलो

देख बच्चा ये हमारा हॉरिजॉन्टली एक्सीटिंग है है ना हॉरिजॉन्टली एक्सिलेटिंग है बच्चा क्या मोबाइल में समस्या यही है मोबाइल के नेटवर्क में समस्या यही है जब भी कोई फोन है आता है बंद हो जाएगा यहाँ से आवाज फोन किसी का आया नहीं कि बंद चल देख बच्चा ध्यान दे अगर मान ले होटिंग कंटेनर हो एक्सीन ए से है ना तो देख बेटा इस पेडियो फोर्स लगेगा बताओ अगर इधर ओर सिलेक्ट कर रहा है तो इसपे स्यूडो फोर्स किधर की ओर लगेगा बोलो बच्चा बाई तरफ है ना, तो अगर तरफ लगेगा बेटा फोर्स तो लिक्विड हमारा ऐसे हो जाएगा बेटा बताओ बोलो हो जाएगा ऐसा ए लिक्विड हमारा ऐसा हो जाएगा ना बेटा बोलो है ना तो अगर हम जानना चाहते हैं बेटा हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये होरिजोनटल से कितने एंगल पे आएगा है ना चलो पता किया जाए ठीक है तो पता करने के लिए क्या किया बेटा मैंने मैंने मान लिया एक वाटर का छोटा सा एलिमेंट एक वाटर का छोटा सा मैंने मान लिया बच्चा एलिमेंट है ना अब बताओ इसका अगर एबीडी बनाए बेटा तो कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा एम जी? है ना बेटा और सीडो फोर्स लगेगा बेटा पीछे की तरफ आएगा ना अब सोचो ये एंगल ठीटा है ये भी एंगल ठीटा है है ना फोर्सेस को रिजोल्व करो तो स्यूडो फोर्स का बच्चा ऊपर की ओर कंपोनेंट क्या हो जाएगा देखो ma cos थीटा mg का कंपोनेंट क्या हो जाएगा इधर नीचे की ओर ये हो जाएगा बच्चा mg साइन थीटा बोलो होगा होगा बच्चा बात समझे ना तो क्या बोलोगे बेटा फॉर फॉर इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर है ना बच्चा कंटेनर के फ्रेम में अगर इक्वेम होगा तो क्या लिख दोगे बच्चा थीटा इज बोलो बच्चा होगा ना एम और एम कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चा इक्वल टू टेन थीटा इन टू जी या कहते बेटा दिस टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी बोलो बेटा है ना तो बोलो तो अगर हमारा एक्सप्रेशन बढ़ जाए अगर हम लिक्विड को ज्यादा से एक्सिलेट करें तो एंगल क्या होगा बताओ बोलो बेटा अगर कंटेनर का एक्सिलेशन बढ़ जाए अगर कंटेनर का एक्सिलेशन बढ़ जाए तो एंगल के बारे में क्या कहना चाहोगे बढ़ेगा बेटा बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात है ना अच्छा अब बताओ अब बताओ बेटा अगर मैं कहूं यहां सोचू ऐसा कि मान लो अगर मैं यहां एक पॉइंट लू पॉइंट नंबर वन और यहाँ लू पॉइंट नंबर टू ठीक है सच दैट वन और टू पॉइंट के बीच की दूरी अगर एक्स हो है ना बेटा तो बोलो तो वन और टू में ज्यादा कहा होगा प्रेशर बोलो बच्चा में ज्यादा कहा तो बच्चा अगर मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं और यहां से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं है ना बेटा ठीक तो देख पा रहे होगे कि इन दोनों बच्चे हाइट में डिफरेंस है ना बोलो हाइट में डिफरेंस है बोलो? ये ही ना बोलो यही ना बेटा बताओ हाइट का डिफरेंस यही है ना है बता? है बेटा ना तो अगर इस हाइट के डिफरेंस को अगर इस हाइट के डिफरेंस को मैं डेल्टा एच मान लू अगर इस हाइट के डिफरेंस को डेल्टा एच मान लू बेटा तो ऐसे कहोगे कि पी टू माइनस पी वन इक्वल टू रो जी डेल्टा एच बोल बेटा बोलेगा ना पी टू माइनस पी वन इक्वल टू रो जी डेल्टा एच है ना लेकिन जरा इस ट्राइंगल में देखो इसको बोलोगे बेटा डेल्टा एच डिवाइड बाई एक्स देखो तो देखो देखो बोल सकते हो ना तो क्या हो जाएगा बेटा रो इन टू जी है ना डेल्टा एच पुट कर दो ऊपर से क्या हो जाएगा एक्स इंटू ए बाई जी जी हमारा कैंसिल जी हमारा हो जाएगा कैंसिल तो क्या बोलोगे बेटा पी टू माइनस पी वन इक्वल टू रो एक्स है ना बेटा ठीक है तब तो तुम देख के बताओ इस केस में हमने एक्सलेट किधर किया था देखो हमने एक्सलेट किधर किया टूवर्ड्स राइट right. है ना बेटा एक्सिलेशन इज टूवर्ड्स राइट है ना बेटा अब बताओ कि प्रेशर किस तरफ भी इंक्रीज किया प्रेशर किस तरफ इंक्रीज किया टूवर्ड्स लेफ्ट है ना बेटा एक्सलेशन आगे करोगे तो प्रेशर पीछे की तरफ इंक्रीज करेगा है ना बेटा तो ऐसे बोल सकते हैं बोलो, अपॉन डेलेक्स इज इक्वल टू माइनस रो इन टू ए देखो तो बोलो बेटा डेल्पी अपॉन डेलेक्स इक्वल टू माइनस लो इनटू ए बोल सकते हो बेटा है ना बस समझ में आया कि अगर हमारा एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में भी हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा बेटा बोलो इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा माइनस से नहीं बताता है ना फटाफट पड़ नोट करो इसको नोट करो बच्चा फटाफट पड़ इसको अनुराग बोलो सर फर्स्ट पेज वाला मैं लिखने पे आ, सर थोड़ा आप नीचे कर दीजिए मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ये तो बच्चा फर्स्ट पेज लो लो ले लिया स्क्रीनशॉट हाँ ले लिए सर थैंक यू वेलकम बेटा स्वयं बोलो सर ये आ, मेरा नेटवर्क लॉस्ट हो गया था तो ये सेकंड पेज ही है ना सर आप जो सिखा रहे हो हाँ सेकंड पेज बिल्कुल थैंक यू सर हर्ष बोलो सर आपने ये जो डेल डेल पी बाय डेल एक्स इक्वल टू माइनस रो ए लिखा सर रो से कैसे रिलेट हुआ रो तो हमारा देखो यहाँ है ना लिखना बेटा देखो डेंसिटी है ना यहाँ पे अच्छा ओके ओके सर ये है डिफरेंस प्रेशर का और ये है एक्स इसको डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या बचेगा ओके ओके वो ये बच्चे गाना? ये सर, ये सर।, बोलो। सर वो टेलीग्राम पे आपने देखा नहीं था सर क्वेश्चन सर टेलीग्राम पे आपने क्वेश्चन नहीं देखा, देखा था।, था सर मेरा वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक ठीक मुझे ओके okay, सर थैंक यू बात ओके सर ओके सर बोलो देवेन सवा छह के, के बाद इनको याद दिलाऊंगा मैं देवेन सर क्या आपने सर क्या आपने कल की क्लास में कुछ पढ़ाया था नया नया कंसेप्ट कल की क्लास में कुछ नया पढ़ाया था कुर्सी कल... पढ़ाया था बेटा उसमें भी तो कल नहीं नया कांसेप्ट नहीं क्वेश्चन ही किए थे सकता है हम लोग हेलो बस सिर्फ क्वेश्चन ही किए थे बेटा ओके okay, ठीक है सर मयंक सर एक बार फर्स्ट पेज फिर से ओपन कर दीजिए ना क्या हुआ क्या प्रॉब्लम है सर फर्स्ट पेज एक बार फिर से ओपन कर दीजिए ना मैं लिख नहीं पाया थोड़ा स्क्रीनशॉट ले फटाफट पड़ यार नयन बोलो लास्ट so, वाला पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे सर जिसमें वो आपने डेल पी बाय एक्स कराया क्या तो so, वो लास्ट वाला पॉइंट है डेल पी बाय डेल एक्स वाला बेटा लेफ्ट साइड में है, क्या दिख रहा है पी टू माइनस पी वन प्रेशर डिफरेंस है यस yes, सर प्रेशर डिफरेंस को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया क्या बनना yes, चाहिए रो इन टू बनना चाहिए यस yes, सर अब मैंने माइनस क्यों लगाया yes, क्योंकि मेरा एक्सीन देखो इधर की तरफ है yes, और वन से टू एक्स कैसे अपोजिट में है अब? थैंक यू बेटा। देख बच्चा आगे। देखा जाए बेटा अब देखा जाए रोटेटिंग फ्लूड अब देख बच्चा रोटेटिंग ठ ठीक है केस थ्री, ये हमारा हो गया केस थ्री रोटेट करता हुआ फ्लूड ठीक है बच्चा इमेजिन करो कि मान लो एक कंटेनर हो मान लो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर हो बेटा ये सिलेंड्रिकल कंटेनर किसी सर्टेन एक्सिस के अबाउट किसी सर्टेन एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा हो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मान लो ठीक है अगर मान लो बच्चा ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा होगा बेटा तो लिक्विड हमारा ऐसे हो जाएगा ना बोलो 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 बच्चा हो जाएगा ऐसा ठीक है अब देखो लिक्विड हमारा जब इस तरह से हो जाएगा है ना लिक्विड हमारा जब इस तरह से हो जाएगा तो हम जानना चाहते हैं बेटा कि लिक्विड के, के सरफेस का सेप क्या है है ना हम जानना चाहते हैं बेटा है, लिक्विड के सरफेस का सेप है ना तो देख बेटा ध्यान से मैंने क्या किया कि मैंने बेटा इस बॉटम को मैंने मान लिया बच्चा ओरिजिन है ना और ऐसे मान लिया मैंने बेटा एक्स इसको मान लिया ओरिजिन इसको मान लिया एक्स है ना और इसको मैंने वर्टिकल में जो सिलेंडर का एक्सिस बेटा उसको मैंने मान लिया वाई ठीक है अब बताओ अगर हम यहां कोई पॉइंट लें है ना बेटा ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने कहा x कॉमा वाई अगर इस पॉइंट का बच्चा कोऑर्डिनेट लू कॉमा y है ना तो महसूस करो कि ये जो पॉइंट है बेटा ये ऐसे सर्किल में घूम रहा होगा बोलो है ना तो बताओ तो बेटा इसके सर्किल में घूमने का क्या रेडियस है इसके सर्किल में घूमने का क्या रेडियस है एक्स बिल्कुल सही है इसके घूमने का रेडियस है बच्चा एक्स है ना तो देखो इसके घूमने का अगर रेडियस x है है ना तो बच्चा इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा ना बोलो इस पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बेटा कैसे बताऊं सेंटर से दूर की तरफ m ओमेगा e स्क्वायर x लगा होगा ना ठीक है और वर्टिकल पे लगा हुआ क्या बेटा फोर्स हमारा mg वर्टिकल फोर्स लगा होगा बेटा, बेटा हमारा mg है ना अब देखो बेटा इसी डायग्राम में देखो अगर मैं क्या कहता हूं बेटा कि यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो अगर इस पे यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसा कहा जहां पे तुमने पॉइंट लिया तो अब बताओ उस टेंजेंट के अलोंग मूव कर रहा है क्या कोई एलिमेंट बोल बच्चा उस टेंजेंट के अलोंग कोई एलिमेंट मूव कर रहा है क्या नहीं मूव कर बेटा ना क्योंकि अगर वो मूव कर जाएगा तो पानी का वो शिप रह नहीं पाएगा है ना बच्चा वो मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब पानी का सेप स्थिर है है ना तो देखो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं उस एंगल को थीटा मान लो बेटा है ना तो देखो mg का कंपोनेंट क्या हो जाएगा नीचे की तरफ सोचो mg का कंपोनेंट mg का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चा ये हो जाएगा mg साइन थीटा है ना बेटा और देखो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x cos थीटा बेटा ठीक है ना तो अगर ये एलिमेंट मूव नहीं किया अगर वो एलिमेंट मूव नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ बेटा इसका मतलब हुआ एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा बोलो बच्चा है ना अब देख बेटा एम और एम कैसे गया कट गया हमारा बोलो बेटा एम हमारा कट गया तो क्या बचा बचा हमारा थीटा इक्वल टू ओमेगा अब थोड़ा गौर करने के बाद बेटा जो यहाँ वो टेंजेंट का स्लोप है बोलो जो theta है वो टेंजेंट का स्लोप है तो अगर वो टेंजेंट का स्लोप है तो ये होना चाहिए dy अपॉन डी एक्स बोलो होगा ना और अगर बच्चा ये dy अपॉन डी एक्स है ना ठीक है तो सिर्फ हम dy की वैल्यू क्या बोलेंगे बताओ क्या बोलेंगे वाई इज इक्वल टू बोलो ओमेगा स्क्वायर बाई जी एक्स डी एक्स होगा बेटा है ना अब इसको इंटीग्रेट कर लो क्या कहोगे जीरो से वाई और ये जीरो बेटा वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी बोल बच्चा होगा बोल बेटा वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी तो क्या गया बच्चा वाई प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है ना बेटा बिल्कुल सही कहा संस्कार ने बिल्कुल सही कहा क्या कहा ये पैराबोला का सेप आ रहा है बेटा है ना पैराबोला इन टू डी टू डायमेंशन है बच्चा ये पैराबोला का सेप आएगा है ना टू डायमेंशन में ये पैराबोला का सेप आएगा नोट कर लो बच्चा फटाफट नोट करो हर्षद बोल रहा है ये तो ऐसे ही दिख रहा है <laughs> नहीं बच्चा बिल्कुल नहीं हर कर्व लाइन पैरा नहीं होता बेटा है ना कर्व लाइन बेटा भी हो सकता है है ना जल्दी लिखो इसको हम्म सही बात तो कर बेटा कुछ भी हो सकता है पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सार्थक पूछ रहा है टेंजेंट मूव क्यों नहीं किया टेंजेंट को मूव नहीं करना है हम बोल रहे हैं टेंजेंट के अलोंग अगर लिक्विड का एलिमेंट मूव कर रहा है इसका मतलब वाटर का सेप स्थिर नहीं है लेकिन क्या देखते हैं हमस्टेंट ओमेगा से घूमता है तो उसका सेप बच्चा सरफेस का सेप हमेशा स्थिर रहता है ना ठीक है चलो आगे देखा जाए देख बच्चा क्वेश्चन देखो बच्चा क्वेश्चन देखो क्वेश्चन हमारा क्या है देख बच्चा एक क्वेश्चन हमारा कहता है कि इमेजिन करो कि मान लो बेटा कोई एक बहुत पतला ट्यूब है है ना बहुत पतला ट्यूब है यू के आकार का यू के आकार का एक बहुत पतला ट्यूब ठीक है बच्चा यू के आकार का बहुत पतला ट्यूब है जिसके बॉटम की चौड़ाई बॉटम की चौड़ाई है बेटा 20 सेंटीमीटर ठीक है बच्चा बॉटम की चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर और अब इसको हमने जब पानी भरा तो पानी भरा तो लिक्विड हमारा ऐसे हो गया लिक्विड ऐसे हो गया मतलब इसमें लिक्विड इधर है और इसमें लिक्विड इधर है बेटा है ना और कहता है कि इस दोनों के जो लेवल है बेटा वाटर वाटर लेवल लेवल ये का डिफरेंस जो है वो है टेन सेंटीमीटर है ना ठीक है कहता है इफ इफ द ट्यूब इफ द ट्यूब इज एक्सीटिंग एक्सिलरेटिंग हो रिजोनटली हमें जान रहे हैं कि ट्यूब का जो हमारा एक्सिलेशन है बेटा वो हो रिजोनटली है ना तो फर्स्ट कहता है फाइंड दायरेक्शन ऑफ एक्सिलेशन बी कहता है फाइंड फाइंड मैग्नीट्यूड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन चलो बनाओ बच्चा सॉल्व करो इसको सॉल्व करो संस्कार चेक करो अपना आंसर सार्थक सही है तुम्हारा मैग्नीट्यूड निकालो नहीं अर्षद कॉन्सेप्ट नहीं है ट्यूब सिंपल एक ट्यूब है डेंसिटी की जरूरत नहीं बेटा देव का सही विशेष भी सही प्रांजल भी सही देव जयदीप सही अब निचू निकालो ओम सनाप चेक कर बच्चा प्रसंग का सही आंसर आया है गुड तनेश का भी सही आंसर आया है जी बाई टू टू वर्ड लेफ्ट चल देख बच्चा मैं करता हूं ध्यान दो देख बच्चा सोल्यूशन में बोलो तो अगर मैं पॉइंट वन लू और पॉइंट टू लू तो डायग्राम में देख के बताओ ज्यादा किधर प्रेशर है ज्यादा प्रेशर कहाँ होना चाहिए बच्चा टू पे ना टू पे ज्यादा होना चाहिए ना प्रेशर देख तो देखते बच्चा अगर मैं सिर्फ इस वाले लिक्विड की बात करूं अगर मैं सिर्फ इस लिक्विड की बात करूं है ना बेटा तो कहेंगे इधर इधर से से प्रेशर 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 फोर्स फोर्स ऐसे ऐसे लग रहा ऐसे लग रहा रहा होगा होगा और सेकंड वाला ज्यादा है तो ये एलिमेंट किधर जा रहा है बेटा बोलो इधर वाला प्रेशर बड़ा है इधर वाला प्रेशर छोटा है इसका मतलब इधर ना होगा बच्चा एक्सीलरेशन बताओ है कि नहीं तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया टू वर्ड्स लेफ्ट ठीक है बी भी कहता है मैच निकालो है ना बेटा सुना ध्यान से बोलते बेटा इस डायग्राम में इस डायग्राम में है ना बेटा और फिर अब इस डायग्राम में देखो क्या कहा था मैंने कि वन और टू का बच्चा वन और टू का प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था रो एक्स वन और टू के प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला था बेटा रो ए एक्स है ना तो क्या लिख देगा बेटा यहाँ पे यहाँ कहेगा पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो ए एक्स है ना बच्चा ठीक है अब देखो पी टू और पी वन में अगर हम हाइट देखें तो हाइट के डिफरेंस में दस सेंटीमीटर ज्यादा है बेटा इसका मतलब वर्टिकल साइड में इसको देखो तो ये होना चाहिए रो जी इन टू एच है ना बेटा ऐसे कहो रो ए रो जी डेल्टा एच है ना बच्चा और ये होना चाहिए रो एक्स तो रो और रो कैंसिल हो गया बच्चा तो डेल्टा एच ए एक्स बाई जी है ना बेटा या कहो ए इक्वल टू जी डेल्टा एच बाई एक्स जी हो गया टेन डेल्टा एच टेन सेंटीमीटर एक्स ट्वेंटी सेंटीमीटर तो हो गया बच्चा फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर समझ गए नोट कर लो बच्चा फटाफट जल्दी नोट कर ले बेटा बेटा सेंटीमीटर ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया ना सेंटीमीटर डोमिनेटर में भी है और डी में भी है तो नोमिनेटर और डी दोनों का सेंटीमीटर कैंसिल हो गया चलो अगला सवाल देखो अगला सवाल देख बच्चा अगला हमारा सवाल कहता है बेटा कि मान लो एक ट्यूब ये मान लो बेटा एक ट्यूब है ना ऐसे सेप का है ठीक है बेटा इसका दोनों तरफ मुंह खुला हुआ है दोनों तरफ मुंह खुला हुआ बेटा है ना दोनों तरफ इसका मुंह खुला हुआ है बेटा है ना और कहता है कि ये जो हमारी हाइट है बच्चा ये है चालीस सेंटीमीटर हाइट और ये जो हमारी हाइट है बेटा ये है तीस सेंटीमीटर लेंथ है ना तो देखो बेटा ट्यूब मुंह का खुला हुआ है मुंह का ट्यूब खुला हुआ है बेटा है ना लेकिन फिर भी लिक्विड बाहर नहीं गिर रहा क्यों नहीं गिर रहा क्योंकि इसको हम एक्स एक सिलेक्ट कर रहे हैं तो सवाल यह है बेटा कि फाइंड ए फॉर विच फॉर विच लिक्विड विल नॉट फॉल ऑफ ऑन आईदर साइड ठीक है बच्चा चलो बनाओ 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 जल्दी करो बच्चा बहुत सारे बच्चों का सही आया सही है बच्चा चलो मैं देखता हूं करके देखते बच्चा सुन तो बेटा मान लो अगर मैं इस पॉइंट पी की बात करूं है ना बेटा इस पॉइंट पी की बात करूं तो बोल तो बेटा इधर इस इधर वाले पॉइंट सोचो इस डायरेक्शन में सोचो तो क्या बोलोगे बेटा इस पी पॉइंट पे कितना होना चाहिए प्रेशर बताओ तो कहोगे प्रेशर एट पी होना चाहिए ऊपर वाला मुंह खुला हुआ है तो प्रेशर बच्चा एटमोस्फेरिक है ना और बोलोगे प्लस रो इन टू जी इंटू फोर्टी सेंटीमीटर बोलो बोलो बेटा है है ना अब बताओ अगर हम कि इधर कर रहा है, तो प्रेशर ऐसे बढ़ना चाहिए तो अब होरिजोनटल डायरेक्शन में सोचो होरिजोनटल डायरेक्शन में सोचो बेटा तो फिर बोलोगे यहाँ का मुंह खुला हुआ है तो यहाँ का प्रेशर होना चाहिए बेटा पी नॉट है ना इसका मतलब पी वाला पॉइंट का प्रेशर होना चाहिए पी नॉट प्लस रो इंटू ए इंटू थर्टी सेंटीमीटर बोलो बच्चा होना चाहिए ना तो देखो पिनोट हमारा तो कैंसिल हो गया बेटा बोलो है ना तो क्या हो जाएगा यह हो गया बेटा फोर्टी सेंटीमीटर इंटू जी इक्वल टू थर्टी सेंटीमीटर इंटू ए तो ए शुड बी इक्वल टू फोर जी बाई थ्री बोलो बच्चा समझ गया सब लोग फटाफट लिख लो -पड़ इसको नोट कर ले बच्चा अगला सवाल देखो हाँ बिल्कुल सही बेटा बिल्कुल सही है पहले सवाल करो उसके बाद करेंगे डिस्कस ये भी आ रहा है बेटा ये पूरा लिक्विड से बड़ा हुआ है पूरा लिक्विड से भरा हुआ है बेटा ठीक है तो सवाल कहता है कि इफ इफ दिलेंड्रिकल कंटेनर इफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर Is, is rotated is rotated with constant angular velocity about about axis of सिमेट्री ठीक है बेटा एंड एंड हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द बॉटम एरिया बॉटम एरिया का आधा है ना बेटा इज ऑलमोस्ट ड्राई इज ऑलमोस्ट ड्राई है ना बेटा तो कहता है फाइंड फाइंड एंगुलर स्पीड फाइंड एंगुलर स्पीड ठीक है बच्चा, चलो बनाओ, पूरा भर दिया था बेटा, और तो घुमा रहे थे तो क्या होगा लिक्विड कुछ निकल के बाहर भाग जाएगा बेटा है ना और उसके बाद क्या होगा कि बॉटम का आधा एरिया जो है हाफ एरिया है ना बेटा वो एकदम लगभग ड्राई हो गया तो देख बेटा बॉटम का अगर ऑलमोस्ट आधा ड्राई हो गया तो समझ ध्यान से बच्चा देखो बॉटम का अभी कितना एरिया है बॉटम का अभी एरिया कितना है पायर स्क्वायर बॉटम का एरिया बच्चा पायर स्क्वायर तो अगर कहो बॉटम एरिया का आधा बॉटम एरिया का आधा का मतलब क्या हुआ तो बोलोगे पायर स्क्वायर का आधा बोलो है ना बेटा इतना एरिया बच्चा ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है ना ठीक है पायर स्क्वायर का हाफ ऑलमोस्ट ड्राई इसका मतलब जो पानी का सरफेस है बच्चा ये पानी का सरफेस ऐसा बन गया देखो पानी सिर्फ और सिर्फ साइड में बच गया बोलो पानी जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ साइड में बेटा प्रोफाइल तो ऐसे ही चारा होगा लेकिन नीचे पानी है ही नहीं है ना चलो सल करो बना बच्चा दिमाग लगाओ ट्राई करो इसका ये फॉर्मूला था देखो स्क्रीन शॉट लो इसका फॉर्मूला यही था सरफेस का फॉर्मूला वाई बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी वाई बराबर ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर बाई टू जी का फॉर्मूला लगेगा लगा का आंसर आया। चल देख बच्चा। मान लिया मैंने मान लिया मैंने बेटा कि सरफेस का पैराबोला का बॉटम सरफेस के पैराबोला का बॉटम से मैंने मान लिया एक्स और ये मैंने मान लिया वाई है ना ऐसा क्यों माना अब देखो बेटा ऐसा इसलिए माना क्योंकि देखो हम लोगों ने इस पैराबोला में इक्वेशन की बात कही थी बेटा इसमें ना बेटा था था? तो तभी हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो देख बेटा अगर हम इसकी बात करें है ना तो अब देखो तो बेटा इस वाले की अगर बात करूं बेटा मैं यहाँ पे तो इसका रेडियस स्मॉल आर तो क्या कहोगे बेटा बोलो कहोगे पाईआर स्क्वायर एरिया जो है वो क्या कहा गया था कि पूरे एरिया का हाफ है है ना बेटा इसका मतलब आर जो हमारा है बेटा वो आर रूट है है बताओ ना बेटा ठीक है तो अब देखो बेटा इस वाले पॉइंट के लिए जिसको मैंने पी मान लिया और इस वाली ऊंचाई को इस वाली ऊंचाई को मैंने मान लिया वाई नॉट तो बोलो बेटा पी का क्या हो गया कोऑर्डिनेट बोलो P का हो गया बच्चा कोऑर्डिनेट X में हो गया बेटा R बाई रूट टू और Y में हो गया है ना बेटा तो P के हिसाब से क्या होना चाहिए इक्वेशन P के हिसाब से होना चाहिए बेटा y नॉट इक्वल टू ओमेगा बेटा बाई टू जी बोलो बच्चा होना चाहिए ना ठीक है अब बोलो बताओ अब बोलो बताओ बेटा कि इस वाले पॉइंट के क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट बोलो तो इसका कितना हो गया एकस में एकस में हो गया बेटा रेडियस और वाई में कितना हो गया तो बोलेगा प्लस आर, बोलो बेटा होगा ठीक है इसको क्यू मान लिया मैंने तो बोलो बेटा क्यू का क्या हो गया कोऑर्डिनेट तो क्यू बोलोगे एक्स में आर और वाई में वाई नॉट प्लस आर है ना बेटा ये भी उस पैराबोला पे लाई कर रहा है बेटा तो पहला बोला लाई करने के लिए क्या होगा इक्वेशन तो कहोगे y नॉट प्लस r इक्वल टू ओमेगा बात समझा बेटा है ना अब क्या करो कि इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर वन को कर दो सब्सट्रैक्ट है ना बेटा तो टू माइनस वन करोगे तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई टू जी कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई जी होगा बेटा ओमेगा स्क्वायर बाई फोर जी इसका मतलब बेटा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो फोर जी बाई आर इसका मतलब बेटा ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट फोर जी बाई आर समझा बच्चा इतने एंगुलर स्पीड से घुमाना पड़ेगा बेटा इसको ठीक है लिख लो फटाफट पड़। नोट कर ले बच्चा डायग्राम भी दिख रहा है बेटा यहां और डायग्राम कैसे दिखाऊं हाँ बेटा आप करते हैं डिस्कस जल्दी नोट करो हर्ष का बहुत पास से मिस्टेक हो गया कोई बात नहीं वगे बच्चे आप डिस्कस करें डिस्कस करें बेटा अगर नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो बंद करने वाला हूं पेज में ये डाउट है बोलिए अली भाई क्या बोलना है आपको छह वो आपने p के बाजू में इज इक्वल टू लगाया था देखिए p के बाजू में हाँ ये देखो आपने p ये इज इक्वल टू ही मतलब होता है ना इसका नहीं इसको बोलते हैं इसके कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका बेटा ये कोड़ेंट कोड़ेंट किसी का ना किसी पॉइंट का तो ऐसे लिखते हैं इसके और इक्विवेलेंट और चार चार लाइन वाला भी होता है क्या नहीं चला नहीं होता बेटा कोई सिर्फ तीन और दो हां और सर आप youtube पे कब लेक्चर अपलोड करेंगे जब ठीक हो जाएगा मेरा wifi उसी के इंतजार कर रहा हूँ कब से ठीक है सर थैंक यू ओके नयन बोलो नहीं सर कोई डाउट नहीं शायद गलती से क्या हो गया कोई बात नहीं अब करते हैं बच्चा डिस्कस निकल बच्चा सीट वाईफाई का खराब खराब हो गया क्या करें वाईफाई को कमजोरी हो गया बहुत ज्यादा उसको विटामिन गोली चाहिए निकालो खा, खाना खिलाओ उसको गौरव <laughs> बोलता है खाना खिलाओ सार्थक बोल रहा है उसे कोरोना तो नहीं हो गया देखो मैं दिया था एक्सेस टू पार्ट टू कंप्लीट करने के लिए चलो टू पार्ट टू निकाल टू पार्ट टू निकाल बच्चा टू पार्ट टू में कहा से स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर चार पूछना है देखो बच्चा चार ध्रुव को टू पूछना है देखो भाई टू में देख बच्चा क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू कहता है बेटा देखो दो पार्टिकल है पी और क्यू दोनों एम्पलीट्यूड एम ए में। और सेम फ्रीक्वेंसी एफ में सेम स्टेट लाइन में जा रहे हैं और सेम मीन पोजीशन है ठीक है बच्चा अब कहता है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज ए रूट टू ठीक है मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्टेंस क्या बेटा इसका हमारा ए रूट टू है अब कहता है इफ द इनिशियल फेज डिफरेंस अगर पाई बाई एन है तो एन की वैल्यू क्या होगी सुना ध्यान से बच्चा देखो अगर मान लो ए लाइन है बेटा है ना अब सोचो ये लाइन में ये एक्सट्रीम है ये एक्सट्रीम है और ये मीन है सुनना ध्यान से बोल बच्चा अगर मैं कहूं कि एक पार्टी के लिए यहां से स्टार्ट किया आगे की तरफ और एक पार्टी के लिए यहाँ से स्टार्ट किया आगे की तरफ दोनों अगर एक साथ स्टार्ट करे बेटा तो हमेशा सा दोनों साथ साथ चलेगा ना बताओ और दोनों साथ साथ चलेगा बेटा तो इसमें कोई डिस्टेंस नहीं होगा कभी बताओ है ना इसके बीच का डिस्टेंस नहीं बदलेगा हमेशा साथ चलेगा है ना लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है बताओ कि इसमें ए रूट टू है बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक साथ स्टार्ट नहीं किया बेटा दोनों अलग अलग जगह पे स्टार्ट किए बोलो इसके ये मतलब ना हुआ जी कि दोनों अलग अलग जगह से स्टार्ट किया बोल बच्चा है ना तो मान लिया मैंने मान लिया मैंने एक यहां से स्टार्ट किया एक यहां से स्टार्ट किया तो इसका एक्स तो एक हो गया बेटा ए साइन ओमेगा टी क्योंकि इनिशियल फेज जीरो दूसरा मैंने मान लिया कि यहां से स्टार्ट कर रहा है ये थोड़ा आगे से स्टार्ट कर रहा है तो इसका जो इक्वेशन है एक्स टू बराबर ये है a sin t phi. ठीक है बेटा तो अब बताओ इन दोनों के बीच में दूरी क्या लिखोगे एस बोलते बच्चा एस इक्वल टू क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन होगा बेटा होगा क्या लिख दोगे ये ए दोनों में कॉमन ले लो तो हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी बोल बेटा ठीक है अब साइन ए माइनस साइन का फॉर्मूला लगाओ कितना हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा बोलो ये हो जाएगा बच्चा ए ऑफ टू कॉस ए माइनस बी बाई टू फाइव बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू तो ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू है ना बेटा अब देख के बताओ ये टर्म गया ये टर्म बोलो बेटा है ना कांस्टेंट बोलो बेटा ये पूरा है ना बेटा कांस्टेंट बोलो बच्चा है ना लेकिन देख बेटा ये तो हमारा वेरिएबल है ना बेटा बोलो ये है ना वेरिएबल है कि नहीं तुम बताओ का अगर मैक्सिमम वैल्यू बोला जाए तो कहोगे कॉस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कॉस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बेटा बोलो बोलो कॉस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू वन होता है बच्चा है न? इसका मतलब क्या हो गया ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था ए रूट टू ये दिया था बच्चा ए रूट टू इसका मतलब हो गया बेटा कॉस फाइव बाई टू इज इक्वल टू वन बाई रूट इसका मतलब फाइव बाई रूट टू इसका मतलब फाइव इक्वल टू बेटा बात समझ गया ना फाइव इज इक्वल टू टू ठीक है अरे मानसू क्या लिख रहे हो कौन सा फॉर्मूला गलत है एक तो बता चुका हूँ बेटा मैं कौन सा फॉर्मूला गलत तो तो। है बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री बता हैं चलो देखो सही है फॉर्मूला बेटा साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या गलत सौम्ा? अरे बताओ तब तो हिमांशु बोलो भाई हिमांशु तो का फॉर्मूला सर गलत है, है यहाँ पे कैसे सर साइंस माइनस टैंटी का फॉर्मूला सर टू साइंस माइनस माइनस

अब जाओ क्वेश्चन नंबर तीन एक नंबर करवा चुका हूं बेटा मैं एक नंबर हो चुका है हम लोग का देख बेटा तीन नंबर में तीन नंबर सवाल कहता है बेटा ए स्ट्रीट कार मूव रेक्टरली एक कार है बेटा जो स्ट्रीट लाइन में चल रहा है है ना स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जहां पे एक्सलेन दिया हुआ है एफ इक्वल टू ए माइनस बी एक्स ये मान लो स्टेशन ए है और ये हमारा स्टेशन बी है है ना अब कहता है ए ए डिस्टेंस फ्रॉम कहता है एक्स जो हमारा है बेटा वो डिस्टेंस कहाँ से है यहां से है स्टेशन ए से ठीक है तो इस वाले पॉइंट का बच्चा एक्सलेन एफ है ठीक है बेटा अब कहता है सवाल में हमारा कि इफ द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज एक्स बराबर एन अपॉन बी तो फाइंड एन ठीक है बच्चा अब मुझे बताओ जल्दी जल्दी बताओ एक्सलेशन जीरो कहां पे होता है एक्सलेसन इक्वल टू जीरो एट मीन पोजीशन बोल बेटा तो अगर मीन पुट कर दूं, अगर कर अगर इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा बेटा एक्स इक्वल टू ए बाई बी बोल बेटा है ना इसका मतलब ए बाई बी का जो पॉइंट होगा यहां होगा बच्चा मीन पोजिशन बोलो यहां होगा हमारा मीन पोजिशन यहां से कितना दूर बेटा ए वाई बी है ना ठीक है तो अब बताओ इस वाले पॉइंट पे अगर स्टेशन है तो यहाँ वेलोसिटी जीरो है है ना? और ये स्टेशन है तो ये भी जीरो है। इसका मतलब ये भी है, और ये भी भी एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशन पोजीशन है, है। और अब बताओ अगर ये डिस्टेंस हमारा ए बाई बी है तो ए से बी का डिस्टेंस क्या होना चाहिए टू ए ना बेटा टू ए का मतलब कितना हो गया टू ए अपॉन बी आई बात समझ में ठीक है बच्चा प्रांजल को पूछना है सिक्स देखो सिक्स में नहीं फोर पूछना है किसी को देखो बेटा फोर में फोर कहता है बेटा ए पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन अबाउट अ सेंटर ओ विथ ए फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ ठीक है बच्चा सवाल कहता है बेटा एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट कर रहा है है ना बेटा जिसका सेंटर हमारा ओ है ठीक

है ना अब कहता है एम्पलीट्यूड इज 15 सेंटीमीटर ये पूरा हमारा जो एम्पलीट्यूड है बच्चा ये है 15 सेंटीमीटर स्मॉल ए अब कहता है वेन एट डिस्टेंस रूट थ्री ए बाई टू जब पार्टिकल यहाँ पे है जब पार्टिकल मान लो बेटा यहाँ पे है है ना यहाँ से रूट थ्री ए बाई टू की दूरी पे है है ना बेटा जब मान लो कि पार्टिकल हमारा यहाँ पे है बेटा x इक्वल टू तो कुछ इसकी वेलोसिटी होगी बेटा बोलो कितनी होगी v गया टू ओमेगा ए बाई टू है ना अब कहता है द पार्टिकल रिसीव ए ब्लो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन विच जनरेट एंड एक्स्ट्रा वेलासिटी एन ना बेटा तो अब बताओ इसका न्यू वेलोसिटी कितना हो गया बेटा बोलो बोलो तो कहेंगे न्यू वेलोसिटी हो गया विडेस इक्वल टू पहले वाली वेलोसिटी प्लस एन ए है ना बेटा क्या कहा था ओमेगा एन बराबर है ना तो कितना हो गया बेटा ये ये हो गया थ्री बाई टू एन ए बोलो बेटा है ना ठीक है तो अब देखो इसको अगर एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिल गया विडेस आगे की ओर तो अब बेटा इसका क्या हो गया और दूर जाएगा ना बोटो अब बेटा देखो ये और दूर जाएगा ना इसका नया हो गया मान लो बेटा एड़स नया हो गया dash, तो क्या लिखोगे लिखोगे वाली इक्वल तो ओमेगा रूट है ना बच्चा तो विडेस हमारा कितना है बेटा थ्री बाई टू एन इज इक्वल टू ओमेगा हमारा कितना ये भी एन स्क्वायर रूट ये बेटा एड एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना था एक्स रूट थ्री ए बाई टू का स्क्वायर निकाल ले बच्चा यहां से एड ठीक है ले लो स्क्रीन शॉट लेना है तो अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो बच्चा क्वेश्चन नंबर सिक्स सेकंड वाले का लेना था ले लो सेकंड वाले का स्क्रीनशॉट देखो बच्चा में, देखो सिक्स में six में कहता है बेटा, मान लो सारे स्मूथ हैं, और वेलोसिटी ऑफ बॉल हमारा एन टेन पर माइनस टेन सेकेंड है माइनस वन सेकेंड है है ना बॉल का टाइम पीरियड हमारा देख बेटा बॉल का जो टाइम पीरियड है बेटा टाइम पीरियड हमारा इतना है तो कहता है फाइंड एन कितना सिंपल से वाला बेटा खुद से करो खुद से करो ये डिस्टेंस निकालो राइट एंगल ट्राइंगल मान करके राइट एंगल मान करके डिस्टेंस निकालो एस yes. है ना इधर की तरफ हो जाएगा एक्सीलरेशन जी साइन ठीटा ठीक है बेटा स्मूथ सरफेस है बेटा रिजी बडी मत मानो इसको ठीक है है ना तो यहां से टाइम टी निकाल लो अब देखो इस तरफ के लिए इस तरफ के लिए फिर से बनाओ राइट एंगल ट्राइंगल है ना फिर से एस मानो, है ना और फिर यहां से टी टू निकालो टाइम है ना तो टोटल टाइम पीरियड क्या होगा T1 प्लस टी टू जाना और फिर आने का टाइम इन टू टू ठीक है आंसर गलत दे रखा है देखू हाँ सही तो लग रहा है आंसर बेटा दो दो अच्छी चाय मेरे को सही लग रहा आंसर हमको तो यार सही लग रहा है बच्चा आंसर पांच नंबर पूछना है हर्ष को पांच नंबर देखो पांच नंबर में कहता टू पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स पी वन पी टू आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ठीक है बेटा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अबाउट द सेम मीन पोजिशन इनिशियली

अगर दोनों का बारह सेकेंड टाइम पीरियड है और डिफरेंस बिटवीन देयर ऑम्प्लीटूड इज ट्वेल्व सेंटीमीटर ए वन और ए टू का डिफरेंस बारह सेंटीमीटर फाइंड द मिनिमम टाइम आफ्टर विच सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स 6 सेंटीमीटर। देख बेटा दो पार्टिकल मान ले दोनों का अलग अलग एम्पलीट्यूड ठीक बेटा एक काम्प्लीट्यूड ए वन मान ले एक का ए टू मान ले तो क्या बन गया बेटा ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर है ना बच्चा दोनों जो है सेकेंड, दे आर एट देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन स्टार्टिंग में ए यहां से है बेटा और ए यहां से है इसका मतलब पहले वाले का क्या लिखेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए वन साइन ओमेगा प्लस पाई बाई टू है ना बेटा इसका मतलब हो गया रे ए वन कॉस ओमेगा एक्स टू क्या हो जाएगा बोलो तो वैसे ही हो जाएगा बेटा ए टू कॉस ओमेगा टी है ना ठीक है तो कहता है बेटा दोनों के बीच का डिफरेंस एक्स टू माइनस एक्स वन कितने समय के बाद सेंटीमीटर हो जाएगा कितने समय के बाद छह सेंटीमीटर हो जाएगा तो क्या हो गया बेटा दोनों में कॉमन लो हो तो गया ए टू माइनस ए वन इंटू कॉस ओमेगा टी बराबर सेंटीमीटर है ना अब टी निकालो इससे ठीक है ये हमारा बारह सेंटीमीटर है ठीक है पाए बाय टू कैसे आया ये तो नोट में देख बेटा एक्सट्रीम पोजीशन का फेज इनिशियल फेज एक्सट्रीम पोजीशन का इनिशियल फेज पाई बाय टू होता है चेक करो ठीक है चल टाइम खत्म हो गया जो होमवर्क था वही होमवर्क है बेटा एक्सरसाइज टू कंप्लीट करना है है ना और डीपीपी मैंने कहा था पहले तक करने के लिए तीस तक करने बोला था ना ना तक करने बोला था है अब कर लोगे डीपीपी नंबर अब कर लो डीपी नंबर थर्टी वन डीपी थर्टी वन कर लो ठीक है बच्चा चलो बाय बच्चा